प्रीमियम बेटा उस कंपार्टमेंट को कहते हैं जिसको सिंपली एज प्रीमियम कंपार्टमेंट के तौर पे लेबल किया जाता है। इट इज अ शैलो कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये वो कंपार्टमेंट होता है जो अ बिट शैलो है और इट इज बाउंडेड और इट लाइज बिटवीन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक आउटलेट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पेल्विक कैविटी बाय द फेशिया कवरिंग द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस मसल, कॉक्सीजियस मसल। ठीक है बेटे, ये वो एनाटॉमिकल रीजन होता है पेल्विस में। बेसिकली अगर आपने लेमैन के तौर पे बात करनी है तो लेमैन की जुबान में आप ये कह सकते हैं कि इट इज दैट एनाटॉमिकल रीजन इन द पेल्विस। सो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए जहन में कि इट इज एक्चुअली दिस रीजन इज एक्चुअली और दिस कंपार्टमेंट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ पेल्विस। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पेल्विस का वो पार्ट जो कि लोकेटेड होता है इन ह्यूमन बॉडी बिटवीन द टू थाइस एंड रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक आउटलेट। ठीक हो गया, सो आई होप यू रिमेम्बर द बाउंड्रीज फॉर द पेल्विक आउटलेट। सो नाउ वी हैव एस्टेब्लिश्ड, यस यू हैव राइटली मेंशन द बाउंड्रीज ऑफ द पेल्विक आउटलेट, शाबाश। तो इसका इंफीरियर पार्ट जो होता है इससे भी इंफीरियर जो है प्रीनियम लोकेटेड होता है। अब नाउ प्रीनियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेल्विक कैविटी सुपीरियरली बाय द पेल्विक फ्लोर। सो आप ये भी कह सकते हैं कि इंफीरियर टू पेल्विक फ्लोर इज द रीजन ऑफ प्रीनियम या प्रीनियल कंपार्टमेंट। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्रीनियम। जो ये बेटा रीजन है इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर्स जो कि बेसिकली सपोर्ट करते हैं, उनका फंक्शन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है टू डिफरेंट पार्ट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द यूरोजेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, और इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ जीआईटी। इसलिए जो प्रीनियम का रीजन है बेटा उसके जो कंटेंट्स हैं दे प्ले अ क्रूशियल रोल। व्हाई क्रूशियल, क्योंकि उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली द कंटेंट्स ऑफ द प्रीनियम द प्रीनियल कंपार्टमेंट दे प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हेन इट कम्स टू मैच्योरेशन डेफिकेशन एंड चाइल्ड बर्थ इन द फीमेल्स। ठीक है, एंड अदर जो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म होते हैं उनमें। सो टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ द प्रीनियम आपको बेटा क्या क्या पता होना चाहिए रिगार्डिंग दिस रीजन। ठीक है, एज स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको रीजन ऑफ प्रीनियम या सिंपली प्रीनियल कंपार्टमेंट की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, उसके कंटेंट्स पता होने चाहिए और उसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस पता होनी चाहिए। सो लेट्स टेक अ लुक एट द बाउंड्रीज ऑफ द प्रीनियल कंपार्टमेंट। सो अगर आपको बेटा जब इफ यू पुट द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन ओवर द जो मेडिकल काउच होता है एग्जामिन करने के लिए, जब आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं, ठीक है, फिर आप उसकी जो लेग्स हैं उसको फ्लेक्स करवाते हैं एट नी जॉइंट, और इसके अलावा स्लाइट फ्लेक्शन होती है एट हिप जॉइंट ऑफ द थाइस एज वेल। उसके बाद यू सेपरेट द टू थाइस। ठीक हो गया, अब इस तरह से आपको ये व्यू नजर आएगा पेशेंट में। ठीक है, इस व्यू में आप देख सकते हैं कि जो प्रीनियम का रीजन है वो डायमंड शेप्ड है। ठीक हो गया, डू यू अंडरस्टैंड द व्यू नाउ, क्योंकि अब इस व्यू के अंदर हमने बाउंड्रीज पढ़नी है प्रीनियम की। ठीक है, ओके मारिया, सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बाउंड्रीज ऑफ द प्रीनियम इन दिस व्यू। एंटीरियरली बेटा क्या आ जाता है, प्यूबिक सिंफिसिस। ठीक हो गया, पोस्टीरियरली क्या आ रहा है, टिप ऑफ कॉकिक्स। लैटरली प्रीनियल कंपार्टमेंट इज बाउंडेड बाय द इंफीरियर प्यूबिक रेमाई अलोंग विद इस्कियल रेमस एंड सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ठीक हो गया, रूफ में क्या आ जाएगा, हु कैन टेल मी द रूफ।
पेल्विक फ्लोर विल फॉर्म द रूफ एंड बेस कौन बनाएगा? हु कैन टेल? यस शीरिन शाबाश. सो द बेस विल बी फॉर्म्ड बाय द स्किन एंड फेशिया. I hope you have understood the boundaries of the perineal compartment. If you have understood, then let's move on to the subdivisions of perineum. ठीक है, हम एक imaginary descriptive theoretical line लेते हैं बेटे, जिसकी मदद से हम divide करते हैं perineal compartment को या region of perineum को into two subdivisions. ठीक है, अब वो जो थियोरेटिकल या इमेजिनरी आपने लाइन या प्लेन लिया है वो कहां से कहां तक चलता है? देयर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट एक्सटेंड्स बिटवीन द टू इस्कियल ट्यूब्रोसिटीज. इस इमेजिनरी लाइन की मदद से हमने प्रीनियल कंपार्टमेंट को दो जो है सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया. जो एंटीरियर सब डिविजन है, अब आप देखो इस व्यू के अंदर आपको लग रहा होगा कि ये जो सब डिविजन है ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, लेकिन अगर आप पेशेंट को एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करोगे तो ये यूरोजेनिटल ट्राइंगल एंटीरियर डिवीजन बन जाएगा एंड एनल ट्राइंगल पोस्टीरियर सब डिवीजन बन जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो इन द एनाटॉमिकल पोजीशन द एंटीरियर सब डिवीजन इज लेबल्ड एज यूरोजेनिटल ट्राइंगल एंड पोस्टीरियर सब डिवीजन इज लेबल्ड एज एनल ट्राइंगल. Each of these subdivisions, they are associated with different components of the perineum, or you can say इनके अपने अपने contents हैं. अगर आप patient के बेटा जो है surface boundaries अगर आपने देखनी हो, ये तो हमने anatomical boundaries देखी ना कि anteriorly pubic symphysis है, side space skeletal tuberosity है, पीछे tip of coccyx है, roof जो है वो pelvic floor है. तो अगर आपने इसकी बॉडी के सरफेस पे अगर जैसे आपसे सरफेस मार्किंग करवाई जाए तो सरफेस पे बाउंड्रीज कैसे बनेगी? कि फीमेल्स में तो आ जाएगा एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस का लेवल और मेल्स में आ जाएगा बेस ऑफ द पेनिस. लिटरली क्या आ जाएगा इसमें? मीडियल सरफेसेस या अपर इनर एस्पेक्ट ऑफ थाइस. ठीक है, और पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा? सुपीरियर एंड ऑफ द इंटर ग्लूटियल क्लेफ्ट. ठीक है, तो ये इस तरह की इसकी सरफेस बाउंड्रीज है. Now let's take a look at the details of each subdivision of perineal compartment. We start with the anal triangle. जो बेटा anal triangle है, इसकी location क्या है? ये posterior subdivision होती है perineal compartment की. It is इसकी boundaries अब क्या आ जाएंगी? It is bounded by the coccyx, sacrotuberous ligaments. ठीक है, और सामने क्या आ जाएगा? कि एक इस्कियल ट्यूब्रोसिटीज के दो बीच में जो लाइन इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की थी. एरज, यू आर वेरी राइटली सेड बेटा, वी हैव यू आर स्टडीइंग द रीजन ऑफ पेरिनियम इन लिथोटमी पोजीशन. एक्सलेंट एरज, यू आर राइट. ठीक हो गया, अब एनल ट्राइंगल की बाउंड्रीज के बाद इसकी कॉन्टेंट्स कौन से आ जाते हैं? आपको नजर भी आ रहा होगा, साथ में आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो जो बेटा ये राइट ऑफ द स्लाइड में भी लगी हुई है. इसमें एनल एपर्चर आ जाता है एनल ट्राइंगल में, जो कि क्या है? ओपनिंग ऑफ एनस है. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल आ जाता है, जो कि वॉलेंट्री मसल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एनल एपर्चर. और साइड्स पे क्या आ जाते हैं? दो फॉसी, इस्कियो रेक्टल या इस्कियो एनल फॉसी. ठीक है, ये दो लैटरली लोकेटेड स्पेसेस होती हैं. किसके लैटरली लोकेटेड होती हैं? ओपनिंग ऑफ द एनस के. सो द एनल एपर्चर इज लोकेटेड सेंट्रली विद इन द ट्राइंगल और इसके दोनों साइड्स पे क्या पड़ा होता है? इसकी एनल फोसा. इसकी एनल फोसा एक अलग बेटा टॉपिक है और ये एग्जाम का टॉपिक है, ऐसे क्यों आता है इसकी एनल फोसा पे, तो अभी हम उसको थोड़ी देर तक नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे इसको एनल फोसा को एज अ सेपरेट टॉपिक. इसके अलावा जो एनल ट्राइंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है एज वन ऑफ इट्स कंटेंट्स, वो है पुडेंडल नर्व, जो कि सप्लाई करती है इस होल पेरिनियल कंपार्टमेंट को.
ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका क्लिनिकल भी आता है पुडेंडल नर्व ब्लॉक की सूरत में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम वी टेक अ क्विक लुक एट द यूरोजेनिटल ट्रायंगल। यूरोजेनिटल ट्रायंगल बेटा कौन सा सब डिवीजन थी? एंटीरियर सब डिवीजन थी ऑफ द पेरिनियल कंपार्टमेंट। इसको एंटीरियरली किसने बाउंड किया होता है? इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हो जाएंगी? प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक हो गया, इसकी प्यूबिक रेमाय साइड्स पे आ जाएंगे, और वही लाइन जो हमने ड्रॉ की थी इमेजिनरी लाइन बिटवीन द टू स्केल ट्यूबुलोसिटीज। इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं या स्ट्रक्चर्स कौन से लोकेटेड होते हैं? नाम बता रहा है यूरोजेनिटल, तो जो हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाएंगे और यूरेथ्रा आ जाएगा यूरिनरी ऑर्गन्स में। अब यहाँ पे रिगार्डिंग यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल आपको एक बात समझना जरूरी है कि यूरोजेनिटल ट्रायंगल एंटीरियरली क्लोज्ड ऑफ होता है जबकि एनल ट्रायंगल ओपन होता है कंपेयर टू यूरोजेनिटल ट्रायंगल। तो किस स्ट्रक्चर ने एंटीरियरली यूरोजेनिटल ट्रायंगल को क्लोज ऑफ किया होता है? पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अब व्हाट इज पेरिनियल मेम्ब्रेन? ये बेटा एक टफ डीप फेशिया है और ये एंटीरियरली क्लोज ऑफ कर देता है यूरोजेनिटल ट्रायंगल को, लेकिन स्टिल इट प्रोवाइड्स ओपनिंग्स फॉर द पैसेज ऑफ द यूरेथ्रा एंड वजाइना इन फीमेल्स। अगेन इसका फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट द पेल्विक स्ट्रक्चर्स, और इन मेल फीमेल में जो इरेक्टाइल मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनको सपोर्ट करना। सो आप ये देख सकते हैं बेटा कि ये जो है इसकी ट्यूब्रोसिटीज आपको नजर आ रही हैं, तो इससे अबव जो था हमारे पास ट्राइंगल था यूरोजेनिटल और नीचे जो है वो एनल ट्राइंगल होता, तो यू कैन सी दैट कि एंटीरियरली सारा ये जो है ना कवर्ड है यूरोजेनिटल ट्राइंगल, क्लोज ऑफ हुआ हुआ है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जिसमें खाली अलग से आपको दिखाया हुआ है, और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग भी दिखाई हुई है। अगर फीमेल होगा तो इसमें वजाइनल ओपनिंग भी होगी, मतलब वजाइनल पैसेज भी होगा। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? इस पेरिनियल मेम्ब्रेन की और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर आप इसके फंक्शंस और इलैबोरेट करें तो ना सिर्फ इसका काम है सपोर्ट करना, बट ये ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगेन जो हमने यहाँ पे बात कर ली कि स्पोर्ट्स द इरेक्टाइल टिश्यू, तो उसके अंदर जो मस्कुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बेटा जो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पेरिनियल मेम्ब्रेन इसकी लोकेशन से की मदद से यू कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस। समझ आ गई बात? तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस पे हमारे पास दो पाउचेस बनती हैं जिनका नाम है डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस। रिगार्डिंग पेरिनियल फेशिया, पेरिनियल फेशिया की भी बेटे दो लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल लेयर होती है और डीप लेयर्स होती हैं। सुपरफिशियल लेयर जो होती है, सुपरफिशियल पेरिनियल फेशिया जो है उसका दूसरा नाम जो है सबकुटेनियस टिश्यू ऑफ पेरिनियम भी उसको कहते हैं। तो जैसे कि आपने इंफीरियर एब्डोमिनल वॉल में उसके बारे में पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सुपरफिशियल फैटी लेयर एंड अ डीप मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक हो गया। तो सुपरफिशियल जो है पेरिनियल फेशिया आ जाता है इसमें, जिसका दूसरा नाम होता है कॉलिस फेशिया। फीमेल्स के अंदर बेटा जो फैटी लेयर होती है ऑफ द सबकुटेनियस टिश्यू ऑफ द पेरिनियम, ठीक है, इट मेक्स अप द सब्सटेंस ऑफ द लेबिया मेजोरा। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इन द फीमेल्स, बेटा मैंने दोनों डायग्राम्स लगाई हुई है, ये मेल पेल्विस है और ये राइट ऑफ द स्लाइड पे ये फीमेल पेल्विस है, ठीक हो गया। तो जो लेबिया मेजोरा, जो दो लेबियल फोल्ड्स होते हैं, जी रज देख लेते हैं अभी बेटा, तो जो लेबिया मेजोरा इन द फीमेल्स उसका जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और वहां पे थिक इसके अंदर फैटी टिश्यू होता है,
एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल्स में एज वेल एज मॉन्स प्यूबिस में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि चूंकि आपको नाम बता रहा है कि ये जो है कौन सा है, फैटी लेयर है, तो इधर फैट की थिकनेस जरा ज्यादा होती है इन द फीमेल पेल्विस, फैटी लेयर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। फैटी लेयर इन द फीमेल्स इज कंटिन्यूस एंटीरियरली एंड सुपीरियरली विद द फैटी लेयर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन, जिसको एरिच कैंपर्स फेशिया कहते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक हो गया। इन मेल्स में क्या स्टोरी है कि मेल पेल्विस में व्हाट हैपेंस टू द सेम फैटी लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया? यहाँ पे मेल्स में इसकी जो फैट की अमाउंट होती है, फैट की बेटा जो थिकनेस होती है, वो कम होती है, ठीक है, खास तौर पे यूरोजेनिटल ट्राइंगल के लेवल पे, मतलब एंटीरियरली, बीइंग रिप्लेस्ड ऑल टुगेदर इन द रीजन ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। ठीक हो गया। तो इन दोनों ऑर्गन्स की मौजूदगी की वजह से जो फैटी लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया इन द प्रीनियम मेल्स में, उसकी थिकनेस फैट की कम होती है, क्योंकि वहां पे अब मसल ने उसको रिप्लेस कर देना है इन द मेल्स, जिसका नाम है डार्टस मसल। नाउ दिस लेयर इज कंटिन्यूस बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स, पेनस और स्क्रोटम एंड थाइस विद द फैटी लेयर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन। ये वैसे ही है जैसे फीमेल्स में था, एंटीरियरली एंड सुपीरियरली। दोनों जेंडर्स में, मेल एंड फीमेल में, जो फैटी लेयर होती है प्रीनियम की, वो कंटिन्यूस होती है पोस्टीरियरली विद द इस्कियो एनल, जो पैड ऑफ फैट होता है इन द एनल रीजन। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस्कियो एनल फोसा की जो लोकेशन है। हमने कहा था कि दोनों साइड्स पे जो एनस है उसके दोनों साइड्स पे, यहाँ पे साइड्स पे लैटरली लोकेशन होती है इस्कियो एनल फोसा की। ठीक है, ये एनल ओपनिंग है, तो साइड्स पे लैटरली जो है वो इस्कियो एनल फोसा स्पेस होती है, इसके अंदर अगेन फैट से भरी हुई ये स्पेस होती है, एक कनाल होता है जो दोनों साइड्स पे पड़ा हुआ होता है एनस के। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। नाउ व्हाट अबाउट द मेम्ब्रेनस जो लेयर आ जाती है, फैटी लेयर, समझ आ गई है सबको? सुपरफिशियल प्रीनियल फेशिया हैज मेम्ब्रेनस लेयर, व्हाट अबाउट इट? जो बेटा मेम्ब्रेनस प्रीनियल फेशिया होता है, इट डज नॉट एक्सटेंड इनटू द एनल ट्रायंगल, बीइंग अटैच्ड पोस्टीरियरली टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्रीनियल मेम्ब्रेन एंड प्रीनियल बॉडी। ये बेटा अगर आप मेल पेल्विस में देखो तो ये इन्होंने प्रीनियल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, इसके साथ ही ऊपर की तरफ मिड में आपको प्रीनियल बॉडी दिखाई हुई है। सो पोस्टीरियरली प्रीनियल मेम्ब्रेन एंड प्रीनियल बॉडी के साथ जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो अटैच हो जाती है पोस्टीरियरली। लैटरली इट इज अटैच्ड टू द फेशियल लेटा, जो कि आपको याद होगा क्या था, डीप फेशिया ऑफ द थाई। सो जो सुपीरियर मोस्ट मीडियल एस्पेक्ट है थाई का, उसके साथ मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल प्रीनियल फेशिया मर्ज कर जाती है। एंटीरियरली मेल्स में मेम्ब्रेनस लेयर जो है वो कंटिन्यूस हो जाती है विद द डार्टस फेशिया, जबकि ऑन ईच साइड ऑफ एंड एंटीरियर टू स्क्रोटम जो प्रीनियल फेशिया होता है, इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन, जिसको स्कार्पस फेशिया कहते हैं। तो बेटा ये आपको ब्लू में फीमेल पेल्विस में और इधर मेल पेल्विस में भी जो ब्लू लाइन दिखाई हुई है वो स्कार्पस फेशिया की दिखाई हुई है। तो यू कैन ट्रेस दिस फेशिया इन द रीजन ऑफ प्रीनियम इन बोथ मेल एंड फीमेल, एंड यू विल कम टू रियलाइज दैट जो मेम्ब्रेनस लेयर प्रीनियल फेशिया की है इन मेल्स, ठीक है, वो एंटीरियरली और दोनों साइड्स पे स्क्रोटम के लेवल पे आके वो कंटिन्यूस हो जाती है विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन, जिसको स्कार्पस फेशिया कहते हैं। फीमेल्स में अगर आप देखें इस मेम्ब्रेनस लेयर को,
तो ये पास कर जाती है सुपीरियर टू द फैटी लेयर फॉर्मिंग द लेबिया मेजोरा एंड बिकम्स कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन. तो अराउंड द स्क्रॉटम इन मेल्स मेम्ब्रेनस लेयर कंटिन्यूअस हो जाती है विद द स्कार्पस फेशिया और फीमेल्स में इन द रीजन ऑफ द लेबिया मेजोरा कंटिन्यूअस हो जाती है विद द स्कार्पस फेशिया. What about deep cranial fascia? जो deep cranial fascia है उसको बेटा investing fascia भी कहते हैं और उसको galadot और galaudet fascia भी कहते हैं. ये KLM में लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसके दो नाम है. So deep cranial fascia is present within the region of cranium in the form of you can see cranial membrane. इसके अलावा ये closely और intimately invest करता है या cover करता है ischiocavernosus, bulbospongiosus and superficial transverse perineal muscles को भी. ये सब muscles अभी हम पढ़ेंगे detail में. It is also attached laterally to the ischiopubic rami. Let me show you a diagram of the perineal membrane. ये आपको नजर आ रही है diagram. इसके अलावा anteriorly बेटा ये fused होता है with the suspensory ligament of the penis and continues with the deep fascia covering the external oblique